तो मैं वैभव आपका हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आज देखना है दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपको, आरईएस और आरएसी। ये दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसके मैंने यहाँ पे पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कंटेंट है, न्यूमेरिकल है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, हायर एजुकेशन है, इंटरप्रेन्योर है और फ्यूचर स्कोप है। इस पूरे पॉइंट्स पे ये दो सब्जेक्ट अपने को क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, ताकि आप उसका सही इलेक्टिव आप चूज़ कर सके और आपको उसका फ्यूचर में यूज़ हो सके। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहली बात तो जैसे आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में आते हो तो आपके सामने इलेक्टिव वर्ड आता है कि आपको दो तीन सब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट एज ए इलेक्टिव चूज़ करना पड़ता है। तो उसमें एक सब्जेक्ट है आरएसी, आरएसी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उस और दूसरा सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें से आज ये दो सब्जेक्ट देखने, उसमें से पहला पॉइंट जो है वो क्या है, कंटेंट है, कि आरएसी ये जो सब्जेक्ट है वो किस पे बेस्ड है, जो आपका सेकेंड ईयर का थर्मल सब्जेक्ट था उसके ऊपर ही बेस्ड है। उसमें कंटेंट क्या क्या है, डिफरेंट साइकिल है, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर अब्सॉर्प्शन साइकिल, ऐसे साइकिल्स है, फिर उसके बाद चार्ट्स रहते हैं, वो ये सारा कंटेंट इसमें है, ठीक है। और आरईएस में क्या कंटेंट है, विंड मिल, बायोगैस प्लांट, उसके बाद सोलार, ये सारा इसका कंटेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, आरईसी ये जो सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, टोटल मतलब आपके जैसे थर्मल के न्यूमेरिकल्स थे, सेम आपके वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके इसमें आते हैं। लेकिन आरईएस में देखा जाए तो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम है, मैक्सिमम 10 मार्क के न्यूमेरिकल आपको आते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आप कोई भी डिप्लोमा के बेसिस पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे इसरो है, रेलवे है, पीडब्ल्यूडी है, अलग अलग एग्ज़ाम्स है, उसमें जाओगे तो आरएसी के दो तीन क्वेश्चन तो आते ही है, लेकिन उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है सीओपी का वगैरह। वैसे सेम आरईएस का देखा जाए तो आरईएस के उतने क्वेश्चन अपीयर एग्ज़ाम में नहीं होते, न्यूमेरिकल तो आते ही नहीं है। फिर हायर एजुकेशन, अगर आप डिप्लोमा करके बाद में फिर वापस डिग्री को जाते हो तो एक सेपरेट आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक टोटल सब्जेक्ट है, वो आपको कंपलसरी है, वो आपको देना ही पड़ता है। तो अगर आप डिप्लोमा में आरएससी लेते हो तो वो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ईजी जा सकता है, लेकिन सेम आरईएस का नहीं है, आरईएस डिग्री में उसका कुछ भी वैसा देखा जाए तो कंपल्शन नहीं है। फिर उसके बाद इंटरप्रेन्योर, आप आरएससी का रेफ्रिजरेशन कोर्स ये सब्जेक्ट लेने के बाद आप खुद का भी छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हैं, जैसे एसी का इंस्टॉलेशन है, नहीं तो फ्रिज का अगर गैस लीक हो जाता है तो उसका वापस रीफिलिंग का खुद का बिजनेस एक छोटा सा कोर्स करके आप स्टार्ट कर सकते हो। वापस आरएसी अगर आप लेते हो तो एक एचवीएसी का कोर्स रहता है, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो कोर्स करके आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर जॉब भी कर सकते हो, स्पेशली एचवीएसी में। आरईएस में क्या है कि आरईएस में सोलर है, बायोगैस है, तो अभी जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो अभी अगर आप आरईएस लेते हो और सोलर में आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है तो खुद का भी आप छोटा सा यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद है फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर स्कोप में देखा जाए तो आरईएससी में अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो, कंपिटेटिव एग्ज़ाम देते हो तो आरईएससी है, लेकिन अगर आपको आरईएस लेते हो तो अभी जैसे सोलर नॉन कंजम्पशन एनर्जी का ये चल रहा है तो आप इसमें अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। तो आपका आपके खुद के एबिलिटीज़ देखिए, अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे आते हैं तो आप आरएससी की तरफ जाइए, आपको डिप्लोमा पे बेसिस पे कुछ करना है तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही ये वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।